दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत अच्छा सा मुझे फील हो रहा है। आदमी की जिंदगी में वो आदमी क्या खोता है क्या पाता है, ये कई बार उस समय बीतने के बाद आदमी को महसूस होता है। बहुत बार बालों में सफेद देखते हैं तो लगता है कि उम्र हो गई, और जब 20-22 साल का सीएलसी का सफर याद करता हूँ तो लगता है कि बाल सच में कहीं धूप में नहीं पके, किसी अनुरूप के साथ पके हैं। और ये तब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा कोई 98 का स्टूडेंट 99 साल आता है, और मैं मेरे वाहेगुरु की बड़ी मेहर मानता हूँ कि मैं उस बच्चे को पहचान जाता हूँ उसी भाव से, उसी फीलिंग से। तो लगता है कि हाँ, शिक्षक होने के लिए पैदा हुए थे। आज मैं आपको मेरे एक ऐसे बच्चे से मिला रहा हूँ जो 98 यानी सीएलसी के थर्ड बैच मेरे साथ थे। ये चार दोस्त थे, किशोर, अमित, सुरेंद्र, सतपाल। इनमें से एक आज मेरा स्टूडेंट मेरे साथ खड़ा है, अब मैं मिलाता हूँ आपको। मैं 98 में जब यहाँ सीएलसी में पढ़ने आया था और आज मैं 20 साल बाद आया हूँ। सिर्फ बिल्डिंगें चेंज हुई है, प्यार वही है। हम उस टाइम जब सर के साथ बैठ के पुरानी बातें याद ताजा करते हैं तो आज भी मेरे को नहीं लगता भी वो 20 साल कब निकल गए। ये कुछ सुन यार, सिर्फ बिल्डिंगें ही बदली हैं। सीएलसी में जो हमने प्यार पाया था वो फोन कहाँ पे पहुंच गया, ये तो सब बात की बातें हैं। लेकिन आज जब भी सोचते हैं तो वो दिन याद, आज की कामयाबी से ज्यादा खुशी होती है उनको याद करके, क्योंकि जो सरवण जी के साथ हमारी जो अटैचमेंट थी वो एक गुरु शिष्य की नहीं है कि छोटे बड़े भाई की तरह थे, पर आज उसी मान लो भाईचारे के कारण आज फिर सीखर में सेल सी। मैं आपकी बात को बीच में टोकी करता हूँ। आप 98 पढ़ते थे तो मेरा जो छोटे वाला बेटा है सोमो समर चौधरी, वो उस समय एडमिट था जेके लोन में। ये तीनों लड़के भी मैं मुझे आज भी याद है, तो बहुत बड़ी बात थी। मैं भी उसमें बहुत यंग एज में था कि तीनों लड़के बिल्कुल मन डाटा था कि आप मिलने नहीं आओगे, मेरे से टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई वेस्ट होगी। फिर मेरे से मिलने आए थे। मैं चाहूंगा तो उन चारों साथ उनका भी आप बताएं इस समय क्या कौन क्या कर रहा है। पहले तो सबसे पहले मैं मेरा बताता हूँ, मेरा हरियाणा के अंदर हिसार और पूरे हरियाणा के अंदर सेफ ब्रोकरेज कंपनी है चंडीगढ़ की, मास्टर कैपिटल सर्विस लिमिटेड, उसका मैं पार्टनर हूँ पूरे हरियाणा में। सेकंड जोधपुर में मेरे बड़े भैया हैं, उनके साथ मेरा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का काम है। और मेरा जो कुलीग है दूसरा अमित, जो आजकल डब्बाड़ी के पास कारवाड़ी में VS है, वेटनरी सर्जन। और थर्ड मेरा दोस्त सुरेंद्र, जो आजकल हिसार के पास डाटा पुराना ब्रांच का IDBI में मैनेजर है। और फोर्थ मेरा फ्रेंड जो सतपाल बदारा है, वो मैकवेरी में फिलहाल नोएडा में पोस्टेड है 32 लाख के पैकेज पे, जो पहले फ्रांस में था 2 साल और अब यहाँ पे। हम सर के आशीर्वाद से ये बड़े भाई, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सबका प्यार बना रहे। आपके साथ आपके कजन ब्रदर भी है, आपका परिचय भी आपका है किशोर, आपका परिचय भी है आज आपका किशोर के। ये मेरे कजन ब्रदर है, ये नितेश घोटिया नॉर्थ से। इन्होंने सीएससी में पढ़े नहीं, लेकिन इनके साथ वाले पढ़ते थे, उनके नोट्स ये पढ़ते थे, उन्हीं नोट्स पे ये लगा लो। आज ये इंफोसिस में पिछले 8 साल से अमेरिका के अंदर है। आगे ये फिर भाई आपको कैसा लगा सीएससी में आके? सीएससी में आके बहुत अच्छा लगा। मैंने जब नाम सुना था तब सोचा नहीं था कि किस तरीके का इंस्टीट्यूट बना हुआ, कैसे पढ़ाई की जा रही हुई यहाँ पे। लेकिन अंदर घुसने के बाद में लगता है कि सीएलसी बाकी बाहर की जगह से बिल्कुल अलग है। स्वच्छ वातावरण में से रहते हो तो बहुत समझदार हो, जैसे व्यक्ति मुझे आप बता दो, आप तो साथ आए किशोर के, सही बताओ कि आप यकीन था कि मैं पहचान लूंगा आपके साथ? नहीं, हमें तो मिलने की उम्मीद नहीं थी, भी मिल पाया तो पहचान लूंगा। नहीं, मेरे को यकीन नहीं था कि पहचान। 20 साल बहुत लंबा समय होता है किसी व्यक्ति के। मुझे मेरे को अपने 12वीं क्लास पास किए हुए अभी अच्छा खासा समय हो गया है, 13-14 साल हो गए हैं। और अभी अगर मैं याद करने की कोशिश करूँ तो मेरे को आधे से ज्यादा सहपाठियों के चेहरे याद नहीं आ पाते, नाम नहीं याद आ पाते। आप 20 साल बाद नहीं सर नहीं याद बाद में आप देखते पता नहीं मैं तो सर नहीं याद नहीं किया कौन सा कौन सी डेट और कि तुम बेटा बेटा का मिलने गए थे सबसे पहले वो याद आया। यहाँ चलो तो ये 98 जब थे दोस्तों, तो हम स्टेज पे इनके साथ में गाने गाता था तो मुझे लोग कहते थे यार इसका मुझे टीचर है क्या। आज उस गाने को हम लोग फिर गाएंगे कि पहले चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना। दोस्तों ये सीएलसी का प्यार है, मेरे सारे बच्चों से इस वीडियो के माध्यम से 96 ने देखे अब तक जितने बच्चे जहां भी सहित सबको शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद। जब भी आप सीख रहे हैं प्लीज आप सीख रहे हैं तो बहुत खुश हूँ। आज मैं किशोर से उनके बहुत खुश हूँ, और आज लगता है भगवान ने धरती में किसी मकसद से भेजा है दोस्तों। यूँ लगता है कि हाँ कुछ वैल्यू है, कुछ इंपॉर्टेंस है, और
पहली बात यह है कि बच्चे आपके दिल और दिमाग में ही बसा हुआ, ये मेरे बसे हुए हैं। आप सबको देखने वालों को सबको शुभकामनाएं, किशोर की तरह आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सबके लिए लेटेस्ट जो आपको गाना बजता है, चार लाइनें, मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तुम बेखबर हो, उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियां मिले तुझको सारे जमाने की, आतन लाड लड़ावा रे तेरे संग प्यार निभावा, बाकी सब सपने